क्या लक्ष्मी ही सब कुछ है? क्या माता लक्ष्मी की कृपा से ही हमारा जीवन चल सकता है? जब बसंत पंचमी का उत्कृष्ट त्यौहार हमारे सामने आता है, तब हमें माँ सरस्वती की याद आती है। आपको मैं बता दूँ, माँ सरस्वती की उत्कृष्ट कृपा हम पर होना बहुत ज़रूरी है। वो इस भव में भी साथ में रहेगी, अगले भव में भी साथ रहेगी, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब कुछ दिला सकता है, सब कुछ। अगर आप सोचें कि अगर कोई व्यक्ति मंद बुद्धि होगा, अल्प ज्ञान होगा, पागल होगा, तो क्या वास्तव में उसके पास जो पैसा है वो उसके काम आएगा? नहीं आएगा। और वो पैसा अगर उसके पास रहेगा भी सही, तो वो सत्कार्य नहीं कर पाएगा, उसका सदुपयोग ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ऐसा पैसा किस काम का? तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज्ञान होगा तो ही वो सत्कर्म कर पाएगा, और ज्ञान से वो अपनी इंद्रियों को जगा सकता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्कृष्ट कृपा कैसे पा सकते हैं, माँ सरस्वती को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, माँ सरस्वती की हम पूजा विधि कैसे कर सकते हैं, और हमें क्या इस दिन उपाय करने चाहिए जिससे माँ सरस्वती की उत्कृष्ट कृपा हम पर बने, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में उत्कृष्ट बने, हमारे बच्चों पर ज्ञान की देवी का आशीर्वाद रहे, हमारा व्यापार उत्तम चले, हमारे घर में कुछ भी लड़ाई झगड़े इत्यादि कुछ भी ना हो, इसलिए हमें बसंत पंचमी की आराधना करनी चाहिए। बसंत पंचमी का संबंध माँ सरस्वती जी से है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, और माता रानी से अच्छी बुद्धि विद्या के लिए माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। मंगलवार 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी का त्यौहार है। यह पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन के साथ ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु में मानो पूरी प्रकृति पीले रंग की चादर से ढक जाती है। आम के पेड़ों में बेर आ जाती है, आम के पेड़ों में बोर आ जाती है, और चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ शारदे की पूजा के साथ साथ इस रोज नया कामकाज शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। माता सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वागदेवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है, जाना जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी कही जाती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी से भी ज्ञान का दीप जल उठता है। इस दिन लोग अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं, कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है। 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर बसंत पंचमी तिथि लगेगी, जो कि अगले दिन यानी कि 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में पंचमी तिथि 16 फरवरी को पूरे दिन रहेगी। इस साल बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत शुभ है। ऐसे में पंचमी तिथि 16 फरवरी को पूरे दिन रहेगी। इस साल आपको माँ सरस्वती की आराधना बिल्कुल करनी चाहिए। बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के इस पावन दिन को ज्ञान और शिक्षा से जोड़ते हैं। मान्यता ये है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। इस दिन को होली की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, जो कि इसके 40 दिन बाद आती है। वहीं इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती के प्रकट होने के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती के अलावा कई जगह पर दिन में भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, कलम और किताबों को पूजते हैं, क्योंकि ये सभी ज्ञान के उपकरण हैं। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के इस शुभ दिन पर आपको क्या करना चाहिए। सुबह प्रातः उठकर पानी में आपको नीम के पत्ते डालकर उसका स्नान करना चाहिए। इससे आपके शरीर की शुद्धि हो जाती है। अगर आपके पास माँ सरस्वती की प्रतिमा है तो आप इस दिन
दूध और पानी से उनका पक्षाल करें और उन्हें साफ करें, स्वच्छ करें। उसके बाद आपको माँ सरस्वती को सफ़ेद वस्त्र चढ़ाने चाहिए और खुद पीले वस्त्र पहनने चाहिए। आपको पीले वस्त्र पहनना है और माँ सरस्वती को आपको सफ़ेद वस्त्र पहनाना है। आप माँ सरस्वती को सफ़ेद फूल या पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। आपको पीले नैवेद्य भी माँ सरस्वती को चढ़ाना चाहिए। पेन और किताब भी आपको माँ सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए और आपको इस दिन ओम एम नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कम से कम 21 माला गिननी चाहिए। अगर नहीं हो सके तो एक माला भी आप गिन सकते हैं। ओम एम नमः की आपको माला गिननी चाहिए। माँ सरस्वती के सामने रोली, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत भी आपको अर्पण करने चाहिए। अगर आपके पास कोई विद्या से जुड़ा हुआ कोई यंत्र है, कोई मंत्र है, तो आप उसे पूजा स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा से केवल विद्यार्थी नहीं, सभी को उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके करियर में, उनके जीवन में, उनके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप माँ सरस्वती की प्रतिमा या उनकी फ़ोटो के सामने आपको पीले रंग के कागज़ पर लाल रंग की कलम से 11 या 21 बार ओम एम सरस्वते नमः मंत्र लिखना है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को पीला रंग काफ़ी प्रिय है। देवी सरस्वती को इस दिन प्रसन्न करने के लिए आप पपीते और केले के फल का दान भी आपको करना चाहिए। इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इस दिन उन्हें आपको कम से कम फ़ोन लगाकर उनका आशीर्वाद, उनके हालचाल पूछने चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको मोर के पंख से आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या टोटके करने चाहिए। इस दिन आपको नया मोर का पंख खरीदना चाहिए। मोर का पंख छोटा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उस मोर के पंख को माँ सरस्वती के सामने रखें और उस पर आपको हल्दी से थोड़े छींटे करने हैं और ऐसा करते हुए आपको 11 बार छींटे करने हैं और ओम एम नमः मंत्र का जाप करना है। और माँ सरस्वती के सामने आपको इस दिन घी का दीपक जलाना चाहिए और उस घी के दीपक के अंदर आपको थोड़ी हल्दी डाल देनी चाहिए ताकि घी का दीपक पीला हो जाए। अब इस मोर पंख को आप शाम को या तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं या तो आप आपके गले में भी रख सकते हैं, घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो भी नवग्रह जो दुष्प्रभाव दे रहे हैं वो सभी सही हो जाते हैं। मोर पंख अगर आप आपके पास रखते हैं तो जो भी राहु का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है और आपका जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। मोर का पंख आप इस दिन दक्षिण पूर्व की दिशा पर भी रख सकते हैं, वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता चीज़ है वो सब दूर हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा है जो प्रवाह कर रही है वो सब नष्ट हो जाएगी। आप मोर के पंख को इस दिन आपके मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी वास्तु दोष है उसका सभी का निवारण हो जाएगा। आपको इस दिन क्या करना है, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, उसके ऊपर आपको 3 मोर पंख लगाना है। 3 मोर पंख को आपको हल्दी से ओम एम नमः का जाप करते हुए उनका छींटा करना है, उन पर छींटे करने हैं और उनके नीचे आपको एक छोटी सी गजानंद भगवान की एक फ़ोटो लगानी है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक चीज़ों का प्रवाह होता है वह सब बंद हो जाएगा। बसंत पंचमी की आराधना हमें सबको करनी चाहिए। बसंत पंचमी की आराधना से हमारी ज्ञान की दृष्टि का विकास होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पूर्व भव के कर्म होते हैं और वो पूर्व भव के कर्म वो इस भव में भुगतते हैं। वो कुछ पागल होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल बने, हमारा जीवन उत्कृष्ट बने, हमारे जीवन में ज्ञान संबंधित कोई भी समस्या नहीं आए, तो इसके लिए हमें ज्ञान की देवी की आराधना नहीं करनी चाहिए, उनकी विराधना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों होते हैं जो पूर्व भव में कुछ ना कुछ कर्म करते हैं तो उस कर्म की वजह से वो तोतले, गूंगे, बहरे सब कुछ होते हैं। तो हमें ज्ञान की कभी भी आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले भव में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ज्ञान की आराधना कभी नहीं करना चाहिए। गूंगे, तोतले, इनकी हंसी भी नहीं हमको उड़ानी चाहिए। हम क्या करते हैं, मजे के लिए सामने वाले की हंसी उड़ाते हैं, गूंगे तोतले का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्षणिक भर के सुख के लिए किसी के ज्ञान पर किसी का अपमान करना और वो भी ज्ञान की वजह से, ये बहुत गलत बात होती है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
आज के इस वीडियो में हमने यही जाना कि हम माँ सरस्वती की आराधना कैसे कर सकते हैं और हम मोर पंख का इस्तेमाल करके हमारे घर को सुखमय पवित्र कैसे बना सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय माँ सरस्वती, प्रणाम।